दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। आपने देखा, जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ बिल्कुल प्रूफ के साथ देता हूँ। आपने देखा होगा कि मैं जो हूँ कोई भी वेबसाइट बताता हूँ या फिर कोई भर्ती बताता हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक होगी, बिल्कुल प्रूफ के साथ भर्ती में दिखाता हूँ। इसी तरीके से राजकीय इंटर कॉलेज के अंतर्गत भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द आ रहा है, उसका मैं आपको नोटिस भी दिखाऊंगा, आज की डेट का नोटिस दिखाऊंगा मैं। साथ में आज आपने देखा होगा अर्हता को लेकर जो है विवाद समाप्त हो चुका है, उस पर मोहर लगा दी गई है। साथ ही में जो उन्होंने बताया गया, इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में संविदा कर्मचारी के भर्ती का विज्ञापन भी जो है वो जारी हो चुका है, और वो उत्तर प्रदेश से। ये दोनों खबरें मैं आपको दूं बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सामने में इसलिए आया हूं कि बहुत से कहते हैं सर आपका चेहरा कैसा है, चेहरा नहीं है। बहुत से हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर वो सब जानते हैं मैं कैसा हूं कैसा नहीं हूं, कहां पर जॉब करता हूं, इलाहाबाद में आयोग में लगातार जो हूं संपर्क साधे रहता हूं मैं। आयोग के द्वारा इन्फॉर्मेशन जो भी आती है सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। कुछ भी आयोग के द्वारा अगर मतलब इन्फॉर्मेशन आने वाली होती है उससे पहले जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। अगर आप चैनल पर अगर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ दो भर्तियाँ, राजकीय इंटर कॉलेज की और नंबर दूसरी जो है आपको जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की भर्ती के लिए, इसमें जो है भर्ती का विज्ञापन संविदा कर्मचारी से जारी हो चुका है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आपने जो है प्रतापगढ़ का नाम सुना होगा। प्रतापगढ़ में जो है बड़ौदा स्वराज विकास संस्थान के अंतर्गत विज्ञापन जारी हो चुका है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है इसमें स्वराज इसके अंतर्गत स्व रोजगार विकास संस्थान चांदीपुर धाम जो है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं प्रतापगढ़ के अंतर्गत भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, और वो भी पद का नाम दे रखा है इसमें जो असिस्टेंट और स्थायी रूप में संविदा पर भर्ती के लिए चयन, यहाँ पे जो है रिज्यूम आप लगा सकते हैं। यहाँ पे हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर ये जो है भर्ती जो निकाली गई है वो आप देख लीजिए, ऑफिस असिस्टेंट की भर्ती है ये, और इसमें 14,000 रुपये सैलरी मिलेगी। 22 वर्ष से लेकर जो 40 वर्ष तक इसमें जो एज लिमिट लगा दी गई है, इसकी जो योग्यता की बात करें योग्यता आप यहाँ पे जो स्वयं ये पढ़ सकते हैं। बात करेंगे इसमें जो रिज्यूम आपको इसमें ऑफलाइन तरीके से जो होगी परीक्षा होगी आपकी, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। इसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर जो चयन होगा, और यहाँ पे जो अंतिम तिथि यहाँ पर बता दी गई है 17 जून 2023 आवेदन की अंतिम तिथि है 2023 तक, कहने मतलब कि 17 जून 2023 शाम को 5 बजे तक जो है बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान में जो है आप ये जाके फॉर्म जमा कर सकते हैं। और यहाँ पे आप भी देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है प्रतापगढ़ के अंतर्गत जमा कर सकते हैं ये, और इसमें लिखा हुआ है कि इसमें आवेदन पत्र चयन हेतु स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कहने मतलब क्या है, इसमें डेट जो होगी उस डेट तक जो आपको जो जमा कर देना, यहाँ पे जो है यहाँ पे इसके अंतर्गत यहाँ पे जो है यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है, ठीक है, आज्ञा से यहाँ पे जो है BS प्रतापगढ़। और यहाँ पे दूसरा नोटिस राजकीय इंटर कॉलेज के अंतर्गत है, यहाँ पर बताया गया 1 जून 2023 का नोटिस, मतलब आज ही का नोटिस है ये, और यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे एक लेटर जारी कर गया है। तो यहाँ पे लोगों ने लेटर जारी जो दिया है सेवा में जो है श्रीमान अध्यक्ष महोदय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, मतलब क्या है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से ये नोटिस है ये। तो यहाँ पर लोगों ने इनको जो है उत्तर प्रदेश लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं इनको जो है नोटिस दिया हुआ है कि LT ग्रेड के अंतर्गत जो है प्रवक्ता दोनों पदों पर विज्ञापन जारी करने के संबंध में इन्होंने कहा है कि अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों का अध्याचन एक लंबे समय से आया हुआ है, और अभी तक जो खाली पदों पर विवाद बना हुआ योग्यता के अंतर्गत, तो वही चीज़ इन्होंने कहा लाखों युवा परेशान हो रखे हैं, तो उसको जल्द से जल्द जो है वो निपटारा किया जाए। और आज के अखबार में भी दे रखा है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इसमें अनुरोध बताया गया है ये। और इसी को लेके जो है सुबह अखबार में आई, आज इन्होंने रिपोर्ट भेज दी गई, यहाँ पे शिक्षकों की अर्हता पर जो लगी मोहर, भर्ती प्रक्रिया का रास्ता साफ, इसलिए जो यहाँ पे इन्होंने जो है लड़कों ने धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ पे जो एक नोटिस जारी किया 1 जून, आज का नोटिस जो है लोक सेवा आयोग अध्यक्ष को दे दिया गया राजकीय स्कूलों के अंतर्गत भर्ती के लिए यहाँ पे जो है। इसके बाद जो शिक्षकों की भर्ती के तुरंत बाद जो है बाबू और चपरासी भर्ती का विज्ञापन जो है भी आएगा, 100% आएगा, सरकार ने ऐसा बताया। और नहीं माने तो आपको मैं दिखा रहा हूँ मैं इसमें, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर भर्ती का विज्ञापन नहीं आता है तो यहाँ पे देखिए चपरासी भर्ती के लिए हमें बताया गया है कि राजकीय और अशासकीय दो विद्यालय होते हैं, तो राजकीय इंटर कॉलेज में एक इसमें जो है 6,746 जो है पद जो स्वीकृत हैं, मतलब कि इतने पदों पर जो है भर्ती होनी थी तो इसमें आधे पद भर चुके हैं, इसमें 3,132 पद जो है वो खाली हैं, ये देख लीजिए। तो इतने पदों पर GIC में जो है चपरासी भर्ती का विज्ञापन जो है 100% निकाला जाएगा, पहले शिक्षक भर्ती आएगी इसके बाद तुरंत चपरासी भर्ती आएगी। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसी भर्ती आती है तुरंत इसी चैनल के माध्यम से आपको वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, और आप देख लीजिएगा फॉर्म, तो भर दीजिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।